इतना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? चारों तरफ मोदी की लहर चल रही है, मोदी मोदी मोदी। पूरा देश ये चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश की बागडोर को संभालें और भारत को 2047 में विकसित भारत बनाएं, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाए, एक ऐसा राष्ट्र बनाए जो विश्व के किसी भी देश को आंख दिखाने की ताकत रखता है। भैया, क्या विशेष रहेगा आपका, क्योंकि आप दूसरी बार जीतने की? बिल्कुल, देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में मेरी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और सिंचाई परियोजनाएं जो हमारे देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है उनको पूर्ण कराना, ताकि युवाओं का विकास हो, गरीबों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो और हमारे अन्नदाताओं का भी विकास हो, ये मेरी प्राथमिकता में शामिल है। जैसा भारतीय जनता ने नारा दिया 400 पार, आप क्या मानते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जादू जिस प्रकार से देश में सिर चढ़ के बोल रहा है, आप निश्चित मानिए कि अब की बार 400 पार, 400 सीट लेकर एनडीए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने यदि किसी चीज का टारगेट सेट किया है तो आप मानिए कि वो तथ्यों के आधार पर होता है, वो हवा में नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 सीटों के साथ बन रहे। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें हम देवास भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस प्रकार से रणनीति बनाकर काम किया है, हम छिंदवाड़ा में भी ऐतिहासिक और रिकॉर्ड मतों के साथ विजयश्री हासिल करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की टीम में मध्य प्रदेश के 29 में से 29 सांसद शामिल होंगे और भारत को विकसित भारत बनाने का प्रयास। कहा जा रहा है कि आप मंत्री बनने वाले हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता कि कौन क्या बनेगा और कौन क्या बन सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जब जब जो जो काम दिया है उस काम को मैंने सकारात्मक रूप से करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी जब मुझे जो भी काम देती है मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सक्रियता के साथ निभाने का प्रयास करता हूं। इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नहीं बता सकता कि कब कौन मंत्री बने। कांग्रेस प्रत्याशी मंदिर मंदिर घूम रहे अभी दिखे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नदारद रहे पूरे 5 साल, अभी भी खेड़ापति मंदिर पे थे वो। ठीक है, कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र मालवीय जी सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से मेरे बड़े भाई हैं। वो जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं उनपे किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगाना उचित नहीं समझता। और निश्चित रूप से मंदिर उन्हें भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए और देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के कल्याण की कामना उन्हें भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का जादू पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है, देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ही ऐतिहासिक मतों से विजयश्री प्राप्त करेगी, क्योंकि ऐसा देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की आशीर्वाद दाता और जनता ने ठान लिया। मतदाताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा सभी सम्मानीय मतदाताओं से यही निवेदन है कि अपने 10 कामों को छोड़कर एक जिम्मेदार सरकार को जनादेश देने के लिए वो आए और यहाँ पर मतदान करें, ताकि हमारे देश की को विकसित बनाने में, शक्तिशाली बनाने, समर्थ बनाने में हम सकारात्मक भूमिका निभा सकें। ठीक, थैंक यू।